अमित भैया, अमित भैया तनिक ध्यान दो। क्या गा रहा भाई? मेरा गीत कह रहा है कि भवानी युग युग से उपकार करती आई है और ये जनता जन्मों से जयकार करती आई है। क्या बात है? आप कह रहे हो गोरी से काली बनी 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 अकारी से गोरी है। मेरा गीत जब से स्पष्ट कह रहा है। क्या कह रहा है? कि उस बात हेलो, मेरा गीत कह रहा भैया कि उस वक्त सृष्टि में कोई देवता ना था, और प्राचीन पृथ्वी पर प्राणी का बताना था। बेटा आ रहा है, सृष्टि की रचना करने आदि शक्ति आई है, आकर के ब्रह्मा विष्णु शिव को पुजारी है। अब देखिए बड़े बढ़िया, मेरा सवाल केवल इतना है, त्रेता में मैंने दिखाया कि माता काली नहीं बनी, मैंने काली कहीं नहीं दिखाई अपने गीत में, और आप कह रहे हो हम गोरी से काली बना रहा है। आपकी भावना है गोरी से काली बनाओ, लेकिन मेरे गीत में काली से गोरी और गोरी से काली का कोई लेना देना कहीं से कहीं तक है ही नहीं। सबसे पहले क्योंकि मैंने कहा है कि त्रेता में भी सब ना कोई अन्य था, तो श्री राम असुरों पर विजय ना पाते अन्य था। अगर सीता हर नहीं होता तो काहे रावण मारा जाता, क्यों राम जाते लगता था। द्वापर में मैंने दिखाया है बड़े भैया कि द्वापर में एक कंस का हनन कारण बनी तू मां, और बन योग माया। आप कह रहे द्रौपदी, द्रौपदी नहीं योग माया, बन योग माया मृत्यु का लक्षण बनी तू मां। यशोदा की कोख से जन्मी महामाई, और नंदराज जैसा पिता कृष्ण जैसा पाया भाई। बेटा आराम से, कलयुग में बहुत बात खुली है मैंने कि कलिकाल में आकर जब सत्य का देखा, जब सत्यता का माने अकाल देखा कि यहाँ सत्य नहीं रहा, तब जन जन में जागृति जागी प्रबल रेखा, और निस्तार होकर भी साकार पाया है मां को, निस्तार से भी मैंने साकार पाया है, और हर जागरण में मां तेरा साकार साया है। अब पता नहीं भैया पूरी से काली जवाब कहां से आपने दे दिया, ये तो हमारे भी यहां से निकल गया। खैर आपका आपका जवाब बढ़ाइएगा, आपका गीत आया कौन सा आया? प्यार की तूने प्यार चला
का गीत कह रहा है पंचमुखी माँ की महिमा निराली दिखलाए महिमा पंचमुखी माँ। पांच बाहन पांच वस्त्र एकानन और पंचानन आपका गीत कह रहा है। खैर ठीक है आपने पांच और एक लगाया है इधर से कुछ कोशिश क्या बात है। एक बार भगवान भोलेनाथ के पास मैया उमा पहुंची तो वो कहने लगी क्या कहने लगी कि सारी सखियां मुझे सारी सखियां मुझसे कहती है क्या कहती है तेरे लालों का है तेरे लालों का है क्या बात है ऐसे तेरे लालों का ऐ सांडी मेरी सखियां मुझसे कहती है कि गौरा क्या तेरे लालों का है एक है छह सर वाला एक है छह मुंड वाला एक है एक मुंड और है दोनों ध्यानी पर रूप है भोला भाला तो एक छे गणेश भगवान की जय हो। आज शक्ति पार्वती मैया की जय। शंकर भगवान की जय। अगर एक जना मारो दूसरे दर्द ये 21 रुपए बड़े भैया परम आदरणीय शैलेंद्र यादव जी लेकर के आए हैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और 51 रुपए बड़े भैया देवी शरण यादव जी की ओर से आए हैं क्या बात है बात की कामना करता हूँ भैया से क्या बात है बात की कामना करता हूँ बड़े भैया आइएगा मेरे ओर से गीत और नोट कीजिएगा। एक धुन बजी कौन सी बजी कि हमने माना हम पे साजन आराम
जवाब भैया जी ध्यान दीजिए कि ईद महिमारा लंबा लगाने से पुजारी बन नहीं सकते और हाथ में ले लो तुम बंदूक तो शिकारी बन नहीं सकते। दया की भीख जो मांगे जमाने में यहाँ आकर ये मेरा वादा है कि वो कभी भिखारी बन नहीं सकते। तब आइएगा सुनिएगा बढ़िया के लंका के जला के लंका पवन पुत्र जब किस किन्हा पर आए तो मगर बात जलने की लंका राम को नहीं बताए तो जाब मंत तब हाल बहाका रघुवर को बतलाए तो रघुवर बोले हनुमान क्यों लंका दिए जलाए। तब हनुमान ने कहा प्रभु स्वामी लंका जली तो जरूर लेकिन सुनिए क्या हुआ। अरे भैया ध्यान रहे मेरा गीत कह रहा है तो महिमा राम की माँ हमारा का कसम है। फिल्मी गीत कह रहा है अब मेरा गीत क्या कहेगा सुनिए सुनाइए। हमने माना यदि आप लोगों को कोई मेरी बात या हमारे भैया शैलेंद्र जी की बात पसंद आ जाए करे तो कम से कम तालियों से आशीर्वाद दे दिया चाहे वो मैं हूं अमित भैया जी के लिए अमित भैया जी के लिए या कि मेरे लिए आशीर्वाद अपनी तालियों से दे दिया करो तभी हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा और तभी हम लोग आगे का कार्यक्रम गा पाएंगे। बोली सच्चे दरबार की। हनुमान कह रहे हमने माना हमसे स्वामी अरे लंका जली जरूर है तो महिमा आपकी अरे तो महिमा आपकी महिमा हमरा कसूर है क्योंकि आराम से मीठे मीठे बजाओ ताकि ये लोग सुने। बिल्कुल सुनाने को आए हैं। लंका के जलने से जो भी सुर स्वर्ण सिखाम निकलता था और धूधू की धुन नहीं बहा पर अरे जय श्री राम तो मेरे मुख से स्वयं उस समय आपका नाम निकलता था और वहां लंका में राम सहारे पर मैं था मेरा हर काम निकलता
का नूर है हे तो ई तो महिमा पूछी अरे ई तो महिमा पूछी ई मैं हमरा का कसूर है दूसरी बात सुनेंगे अपने भैया क्या क्या आपके बल और पौरुष की होती मुझसे वीरता नहीं और सूरों का सीना स्वामी मैं वहां पर सूरवीरों का सीना स्वामी सत प्रतिशत चीरता नहीं अपने बल का भगवान अब तक मुझको बिल्कुल पता नहीं और भागा आपके चरणों का पता पिए मेरी अब देखिए प्रभु आपकी एक महिमा और देखेगी सुनिएगा राम नाम की महिमा देखी तो पत्थर तैर गए पानी में एक बार कहिए बोले राजा रामचंद्र भगवान की सच्चे दरबार की जो राम नाम से दूर है तो महिमा अरे तो महिमा की कसूर है तो एक गीत बजा क्लाख छुपाए बैठी चेहरे को तो एक पल में ही तोड़ दिया
दिया बैरन हवान में फिर तो मुझे प्यार हो गया। इकरार हो गया। और देखिए 101 रुपए की पावन अरदास हमारे इस पार्टी और इस चैनल की मालिक कशिश राठौर मेरी भतीजी की ओर से आई है। मैं अपनी भतीजी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ और जो भी आज मैं हूँ या कि ये चैनल है तो केवल उस भगवती को साक्षात भगवती है मैं उसको सत सत नमन करता हूँ। ये सब उसकी देन है और वाकई आज जो भी मैं गा रहा हूँ ये सब उसकी देन है। एक बार भतीजी सच्चे दरबार की तो मुझे प्यार हो गया इकरार हो गया तो आपा होंगी चूक न जाए ऐसे मौके से। बड़े भैया शैलेंद्र भैया शैलेंद्र भैया गीत सुनिए कि आपा होंगी चूक न जाए ऐसे मौके से और तुमको हम तुझको प्रिया ने देख लिया आए हाय रे ठोके से मन आके मेरा लेगा मगन मेरी जान लेगा तुझे राजू भैया ध्यान रखना जिसने गाया है वो भी बरेली की ही है। जो हीरोइनी है वो बरेली की है। हाँ जी सर चोपड़ा चोपड़ा जी गायक ला 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 जब हनुमान जी लंका जा रहे हैं तो प्रभु राम समझाने लगे और कहने लगे हनुमान क्या कि हनुमान अटल समझे आराम बड़े भैया शैलेंद्र भैया ध्यान दीजिएगा कि हनुमान अटल सन रहे टेंशन मोल नहीं लेना और करके बॉर्डर क्रॉस सियापुर दिए दे देना ये हनुमान कंडीशन जान लेगी तो तुझे पहचान हनुमान अटेंशन रहे टेंशन मोल नहीं लेता और करके बॉर्डर क्रॉस सियापुर दिए दे दे टेंशन जान लेगी तो तुझे पहचान कंडीशन जान लेगी वो तुम्हें पहचान लेगी बेटा आराम से एक बार कह दीजिए पूरी सच्चे दरबार की।